मुकुंद, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है एंड लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया 54 रैंक। पहले अटेम्प्ट में ही आपने इतने शानदार आपने विजय प्राप्त किया है, इतना बड़ा रैंक लिया है, तो रियली आपकी स्टोरी काफी सराहनीय रोचक होने वाली है। मुकुंद, आप रहने वाले कहाँ से हैं? थोड़ा अपने बारे में और अपने फैमिली के बैकग्राउंड बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज ऑनर टू टॉक विद यू ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस स्पीक्स। सर, मैं बिहार मधुबनी जिला का निवासी हूँ और सर मैं बहुत ही एक मध्यम फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा कृषि क्षेत्र में किसान हैं और खेतीबाड़ी देखते हैं। और सर मेरा पढ़ाई बेसिक जो है क्लास 5 तक यहीं मधुबनी से हुई, उसके बाद सर मैंने सैनिक स्कूल गोलपाड़ा असम का ऑल इंडिया एंट्रेंस क्वालिफाई करके ज्वाइन किया और क्लास 12 तक वहाँ से की। अच्छा, उसके बाद की पढ़ाई, फिर 12th के बाद क्या किया आपने? यस सर, सर 12th के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PGDAV कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ऑनर्स 2018 में कंप्लीट की। और उसके बाद सर चूंकि मेरा एज कंप्लीट नहीं हुआ था, आई वाज नॉट 21, तो मैंने एक साल का गैप लिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में मैंने लिखा। ओके, मतलब है कि 2018 में आप ग्रेजुएट हो गए और 2019 में फिर आपने एग्जाम दिया। तो फैमिली में फादर के साथ साथ, फादर मदर के साथ और कौन-कौन है बच्चे, सिबलिंग्स वगैरह हैं आपके? यस सर, पापा मम्मी के साथ मेरी तीन बड़ी दीदी हैं और तीनों दीदी अभी मैरिड हैं और पढ़ाई करके वो लोग अपना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और दे आर टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एज वेल। ओके, तो तीन बहनें हैं और आप एक बेटे हैं अपने, सबसे छोटे। तो फादर क्या अपने शुरू से किसान हैं या कुछ उन्होंने अपने समय में भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ कोशिश की थी? सर मेरे पापा जियोलॉजी से ऑनर्स किए थे और उसके बाद मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे थे। 90s में उन्होंने मेडिकल का एग्जाम भी उन्होंने अपेयर किया बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ही कुड नॉट मेक टू द कट ऑफ लिस्ट, ही मिस्ड बाय 1 or 2 मार्क्स। एंड दिस स्टोरी इज वेरी पॉपुलर इन माई एरिया, सभी चर्चा करते थे कि ऐसे मिस हो गया। तो उसके बाद सर मजबूरन खेती बाड़ी में, चूंकि हमारा 3 acre के लगभग खेत था, तो पापा और बाकी जो भी हैं उनके साथ देखभाल करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप जिसको मजबूरी कह रहे हैं, मैं तो उनको समझूंगा कि बहुत बड़ा कन्विक्शन है कि इंसान पढ़ लिख करके आमतौर पे गांव से जुड़ता नहीं, भाग जाता है, लेकिन उन्होंने उसके साथ आगे बढ़ करके खेती की, आप सबका परवरिश किया और अपने लाइफ को सेट किया। ऐसा नहीं कि हताश होकर के वो गांव छोड़ करके कोई छोटी मोटी नौकरी करके निकल गए, अपने किसान बन करके उन्होंने भी अच्छा काम किया, वो तभी आप लोग को इस लाइक बना सके। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। यस, तो मुकुंद, ये फिर ये आइडिया सिविल सर्विसेज में जाने का कब और कैसे आया, कहाँ से ये विचार निकला? सर सबसे पहले तो ये विचार जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बहुत क्वेश्चन करता था, तो जब भी मैं पापा के साथ ट्रेवल करता था तो यूजुअली आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि पापा कौन, मतलब SP क्या होता है, DM क्या होता है। तो पापा बताते थे कि SP ये IPS SP होते हैं, IAS DM बनते हैं, तो इन सब से इंटरेस्ट आया। उसके बाद सर जब मैं सैनिक स्कूल में गया तो वहाँ आर्म फोर्स का प्रिपरेशन कराया जाता है नेचुरली, तो वहाँ पे थोड़ा सा लिंक टूटा। और 2016 में मैंने सर इंडियन नेवी के लिए 5 days जो इंटरव्यू होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मैंने क्वालिफाई की, बट गॉड हैज इट हिज ऑन प्लान्स, आई गॉट रिजेक्टेड इन मेडिकल ड्यू टू सम इश्यू इन माय आई एंड आई वाज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर इंडियन नेवी। तो उसके बाद सर मैंने आई थॉट दैट आई डू समथिंग विच इज इक्विवेलेंट एंड इवन इन ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल बेटर, एंड देन सर आई डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विस। तो 2016 में जब मेरा सर रिजेक्शन हुआ वहाँ पे, उसके बाद सिविल सर्विस के लिए मैंने कम्प्लीटली आई डिवोटेड माई सेल्फ। इसको कहते हैं फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। यदि आप मैसेज लेना चाहते हैं, आमतौर पे इंसान फेल होकर के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चलो मेरा नेवी में नहीं हुआ तो आगे कहाँ होगा, तो आप उससे बड़ी गोल बना ली कि चलो और हम आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, कि आप हताश ना हो, आगे फिर से हो सकता है कुदरत आपको कुछ नया रास्ता दे रहा है, डेस्टिनी दिखा रहा है और वो डेस्टिनी आपके साथ हुई। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपको आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे IAS बनकर करके पब्लिक के बीच में आपको रहना, दैट इज वेरी गुड। तो बेसिक सीड मतलब फादर के साथ डिस्कशन में आया, हालांकि बिहार इस
ये बात प्रचलित है कि बच्चे थोड़ा से भी अच्छे पढ़ाई लिखाई करें तो ये चर्चा शुरू हो जाती है कि बेटा आईएएस बनेगा, तो नेचुरली आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, राइट? सर, ऐसे बात मैं भी सुना था, बट टू बी ऑनेस्ट सर, पेरेंट्स की तरफ से कभी भी कुछ ऐसा आया नहीं कि आईएएस ही बनो। मम्मी का हमेशा सपना था कि बेटा सरकारी नौकरी करे, तो मैंने सोचा जब सरकारी नौकरी करना है तो क्यों ना सबसे बेहतरीन और टॉप किया जाए, तो देन आई डिसाइडेड फॉर आईएएस सर। आमतौर पे मुकुंद जो है, यही मैं स्टूडेंट्स को मैं भी बताता रहता हूँ कि किसी को बड़ा लक्ष्य बनाने में डर लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि फेल हो जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन बड़ा लक्ष्य बनाए या छोटा बनाए, समय आपके पास एक ही जैसा होता है। आप उतनी समय में आप छोटी चीज के लिए मेहनत करें, बड़ी कर लें, तो क्यों ना कुछ बड़ा ही काम करें। जितने भी ऑडियंस आपको वॉच कर रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि आप भी उस एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आए हैं। आप भी शुरुआत के दिनों में कोई आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, आपने अडेप्ट किया और इंग्लिश लिटरेचर में भी जाके ग्रेजुएशन कर लिया। नेचुरली यस आपकी सर, जो शुरुआत हुई होगी गांव के स्कूल से हुई होगी, तो आपको बिल्कुल इंग्लिश मीडियम आप करा नहीं होगा, हिंदी मीडियम से पढ़ाई यस की, सर, आगे बिल्कुल बढ़ते चले गए। तो ये बिल्कुल एक्सक्यूज लेना कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, हम गाँव से हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ये चीजें बिल्कुल ही गलत, और एक गलत एक्सक्यूज होगा। एक जो जर्नी होता है, इसमें एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स चलता है, मोटिवेटिंग फोर्स अंदर से, कि मुझे कुछ लाइफ में अलग करना है, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए। यस जबकि आपके ग्रामीण परिवेश में है, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी भी बात है, वो कहते हैं सर पिताजी क्या करते हैं, तो बड़ा जेब के बोलते हैं, पिताजी सर हमारे किसान हैं। अरे किसान होना कोई कमी की बात थोड़ी है, नहीं राइट? सर, दुनिया बिल्कुल को फीड करता है, तो क्यों हम उसको अपने हीन भावना में रखें कि पिता कि हमारे किसान है हमारे, वो तो अच्छी बात है। आप क्या बनना चाहते हैं, घर से सपोर्ट मिल रहा है, आपको वो करना चाहिए। तो एक बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स आपके साथ जो आपको ऊपर खींचता रहा, अंदर की जो कहते हैं फीलिंग, वो फीलिंग क्या थी आपको जो आगे खींचते जा रही थी? सर, जैसा कि आपने कहा, पापा बहुत पढ़ाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली, तो था अपना, पापा कभी बोलते नहीं थे, बट मन में हमेशा था कि पापा का जो सपना है वो भी पूरा किया जाए, हाँ वो एक था। और सर, जो घर में जो भी कठिनाइयां होती है, जो भी इश्यूज थे, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए था ये कि मैं कुछ करूं। और इनफैक्ट सर, आई एम फर्स्ट फ्रॉम माई फैमिली टू क्वालिफाई सिट फॉर दिस एग्जाम एंड बिकम आईएएस। तो वेरी था कि जो है ये करके जो है एक नया ऊर्जा मिले फैमिली को, और हमारी भी जो पर्सनल लेवल पे जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो जाए। और जो लार्जर इश्यूज जो सर मैं देख रहा था गांव में, जो मैंने इश्यूज देखे, पॉवर्टी देखे, अनअवेयरनेस देखे, तो ये सब चीज सर मुझे जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उससे पहले जो मैंने कुछ टाइम लिया, ये सब एक ड्राइविंग फोर्स बन गया। और प्रिपरेशन के दौरान जब भी सर थोड़ा भी डिमोटिवेशन होता था, तो मैं झांक के अपने अंदर देखता था और उस कॉज को तलाशता था कि पेरेंट्स का क्या सपना है, सोसाइटी के क्या उम्मीद है, और ये सब सर हमेशा मुझे मोटिवेट करता था आगे बढ़ने के लिए। तो आप जो है, आपके अब किस ब्लॉक के हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में किस ब्लॉक से हैं? सर, बाबूबरही ब्लॉक बड़वार लेकिन गांव। ब्लॉक से पहले भी कोई आईएएस बना या पहले आईएएस हैं वहां से? सर, एग्जैक्ट स्टैट तो मेरे पास नहीं है, पर काफी लोग बोल रहे हैं कि पहले हैं, पहले एलाइड इससे सर। पहले कोई आपकी सूचना नहीं है, तो देखिए कितना इंस्पायरिंग हो गया होगा यस उस सर, क्लास लोगों से में। बात, यस सर, बहुत खुशी है लोगों के बीच, बहुत प्रेरित हुए लोग। यस काफी सेलिब्रेशन का माहौल होगा अभी आपके साथ में, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत है, ये अपने आप में जो सक्सेस का सेलिब्रेशन है, ये भी एक बहुत ड्राइविंग फोर्स बनता है। सिविल सर्विसेज में आप इमीडिएटली एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में पहुंच जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, और फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए आपकी चयन हो चुका है जहां जाकर के आप बहुत बड़ी भूमिका आप निभा सकते हैं। वेरी गुड। जो है तो एक कहते हैं कि मुकुंद जो वेल बगन बिगन इज हाफ डन, मैं नॉर्मली सबसे पूछता हूँ कि सबसे शुरुआत जो है ना वही बहुत कुछ होती है, ठीक है, कि कैसे यस स्टार्ट करें। तो आपने 2018 में ग्रेजुएशन कर लिया था, यस एलिजिबिलिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ एज, एक साल वेट किया, तो क्या आप ग्रेजुएशन के दौरान में तैयारी शुरू कर दी थी आपने, या ग्रेजुएशन के बाद आपने शुरू करी, क्या किया आपने? सर, 2016 में जब, एज आई मेंशन सर, आई गॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर इंडियन नेवी, तो उसके बाद मैंने, मेरे मन में आया और मैं स्लोली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले सर, जैसा कि आपने कहा वेल बिगन, तो आई से दैट मेरा वेल बिगन सर, मैंने सिलेबस को काफी एनालाइज किया, वेरी गुड, बहुत तो अच्छा। यूपीएससी की जो सर डिमांड थी, तो मुझे समझ में आया कि एकमात्र सोर्स जहाँ से हम समझ सकते हैं यूपीएससी को, दैट इज सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। तो सर, सिलेबस को मैंने बहुत ही बारीकी से पढ़ा कि क्या सिलेबस का डिमांड है,
और उसके बाद क्वेश्चंस भी देखे। हालांकि शुरू में सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब ऊपर से जा रहा था क्या क्वेश्चन है नहीं है, पर मैंने फिर समझने के बाद फिर बुक लिस्ट तैयार की। तो इस तरह से सर आईड से दैट 6 से 7 महीना सर इनिशियली मैं इस चीज में ले लिया कि कैसे एग्जाम के लिए करना है, कैसे माइंड सेट करना है, और उसी के दौरान सर मैं टॉपर्स टॉक, सक्सेस स्पीक्स, इन सब रिसोर्सेज से मैं सुन के समझने का कोशिश करता था कि कैसे करना। तो इस तरह से मेरा शुरुआत हुआ था। सक्सेस स्पीक्स आप लगा वॉच करते रहे पास्ट में भी, राइट? यस सर, आई हैव बीन इन टच विद दिस प्रोग्राम। यस सर, राइट, वेरी गुड। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, यही मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ और आपकी बिहाफ पे फिर से ऑडियंस को मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स की बड़ी होती है कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कोई बता दे, कोई कुछ समझा दे। यूपीएससी एक बहुत ही वेल रिसर्च करके सिलेबस डिजाइन करती है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन आप आईएएस सिलेक्शन के बाद नहीं बनोगे, पहले आप बनोगे, सिलेक्शन बाद में होगा। और यूपीएससी का सिलेबस ऐसा डिजाइंड है कि उस प्रोसेस में जब आप पढ़ाई ढंग से करते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है, आपकी सोच, आपका तरीका अपने लिखने का। तो उसमें सिलेबस को नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो नेग्लेक्ट करते हैं, वो सीधा जंप कर जाते हैं कि चलो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कौन सी किताब से पढ़ें, कहाँ से किताब लाएं। डोंट जंप ऑन बुक्स, जैसे आपने किया, पहले सिलेबस को देखिए, आपने कहा क्वेश्चन पेपर के देखिए, पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन शुरू में ना समझ में आए, जवाब ना दे पाए, डजंट मैटर, लेकिन आपके दिमाग में इश्यूज आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, टाइप आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। और आपने क्या कहा, 6-7 महीने पहले मैंने इस चीज को स्टडी किया, समझा। यस सर, अब्राहम लिंकन का कहना था कि इफ आई एम गिवन 6 आवर्स टू कट ए ट्री, तो शुरू के 4 घंटे में शार्पन करूंगा सॉ को, स्ट्रेटजी बनाऊंगा, और लास्ट के 2 घंटे में एक्सिक्यूट करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही तरीका है कि आप विल बिगन इज रिडंडेंट, कि आप सिलेबस को समझिए, क्वेश्चन पेपर को समझिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना एक बुक लिस्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए, एंड देन स्टार्ट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। वो गाइडलाइन क्वेश्चन और सिलेबस आपको लेता चला जाएगा। वेरी गुड। आपने अपनी स्टार्टिंग की बुक्स में क्या आपने एनसीईआरटी बुक्स की भी पढ़ाई की? सर एनसीईआरटी मैंने शुरू में इनिशियली पढ़ाई किया, और ज्योग्राफी के लिए इनफैक्ट मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी किया, बट सर उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया एनसीईआरटी। हाँ, मेरा सर सिंस आई प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी, सो आई हैड कमांड ओवर एनसीईआरटी, तो मैंने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत जस्ट ऊपर ऊपर से रिवाइज करने के बाद आई जंप्ड ऑन टू स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। ऐसा कुछ मतलब आपने जो है एनडीए के तैयारी के दौरान ही आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली थी एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी, यस सर, एनसीईआरटी का आपका बेस बना हुआ था। स्टैंडर्ड बुक की आपने चर्चा की मुकुंद, तो हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि सब्जेक्ट में किस तरह के स्टैंडर्ड बुक का आपने रेफरेंस किया, राइट? यस सर। लाइक यदि हम आपको पूछते हैं हिस्ट्री और कल्चर में किस तरह के बुक्स का रेफरेंस लिया तो क्या कहेंगे आप? सर बिगनिंग फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री के लिए सर मैंने आर.एस. शर्मा से मैंने पढ़ाई की, और वही एनसीईआरटी भी लिखते हैं, सेम बुक का रेफरेंस बुक भी है। और मिडाइवल के लिए आपने आर.एस. शर्मा की जो थोड़ा वॉल्यूमिनस बुक है, डिटेल बुक, यस सर, वो मैंने पढ़ा। और मिडाइवल के लिए सर सतीश चंद्र जो ऑथर हैं उनके बुक, वो भी एनसीईआरटी के, उसके अपने में बिल्कुल सर। और मॉडर्न के लिए सर मैंने बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, ये जो ऑथर्स हैं, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बुक, और स्पेक्ट्रम जो राजीव बहिर सर ने लिखा, ये दोनों बुक मैंने मॉडर्न के लिए पढ़ा। और इसके अलावा सर जैसे कि आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए पूछा, तो सर नितिन सिंघानिया से मैंने आर्ट एंड कल्चर के। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर, ये आपने उसमें से आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर ली, वेरी गुड। Yes. उसी तरह से हम यदि पूछे आपको कि आपने ज्योग्राफी के लिए क्या किया तो क्या कहेंगे, थोड़ा मेजर सब्जेक्ट के लिए? यस सर, सर ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज की, और आई ऑलवेज से सर कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही करें, काफी डिटेल्ड मटेरियल है और काफी अच्छा कंटेंट है। तो जो 4 बुक है, 11th में 2 बुक और 12th में 2 बुक, वहां से आप करें। और उसके अलावा थोड़ा बहुत मैंने सर जेसी लियोंग से कुछ चैप्टर्स मैंने पिकअप करी थी, और मैंने पूरा नहीं किया था, मुझे लगा एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रहा है तो मैंने वहां से किया, और जस्ट फॉर रेफरेंस जेसी लियोंग, नॉट बियॉन्ड दैट। आपने भी कहा जहां से कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अलावा और एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं, तो आपने कहा ज्योग्राफी जो है ये एक अच्छा चॉइस है सिविल सर्विसेज के लिए, स्पेशली आपने ज्योग्राफी जीएस की बात करी, राइट?
यस सर, जीएस ज्योग्राफी आपने पूरी एनसीईआरटी बेस कर लिया, करेक्ट? यस सर। इंडियन सोसाइटी, हम चूंकि अब चर्चा कर रहे हैं थोड़ा तो पेपर वाइज कर लेते हैं, चूंकि जीएस पेपर वन में ये सब्जेक्ट में भी है, इंडियन सोसाइटी के लिए अलग से कोई पढ़ाई किया आपने? सर सोसाइटी के लिए तो ऐसे मैंने कोई बुक नहीं पढ़े, सोशल इश्यूज पे जो राम आहूजा ऑथर हैं उनके बुक का कुछ एसेज फॉर्मेट में उनके जो एसेज हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बाकी सर जो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन होता था और न्यूज में जो इश्यूज आते थे वहां से मैं स्टैटिक इट वाज मोर करंट अफेयर्स बेस्ड जो आप करंट कंप्लीटली क्वेश्चन उसी से आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन भी इंडियन पॉलिटी इन गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये प्रीवियस भी है, पेपर टू मेंस में भी है, इसके लिए कोई पढ़ाई कोई खास किया आपने? सर इसके लिए तो एज पॉपुलरली इन सर्कल गोज ऑन दैट एम लक्ष्मीकांत इज बाइबल ऑफ पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत से ही मैंने किया था एंड आई फाइंड दैट बुक सर मोर देन सफिशिएंट। एम लक्ष्मीकांत से अगर पढ़ाई करते हैं तो काफी डिटेल्ड है और इनफैक्ट सर गवर्नेंस पे भी उनकी एक बुक है, पर मुझे जरूरत नहीं लगा कि गवर्नेंस के लिए एक्स्ट्रा से पढ़ा जाए, सेम चीज आपका ये पॉलिटी में कवर्ड है तो फिर करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। हाँ करंट अफेयर्स में सर बिल्कुल जो कुछ भी छूटता है कवर हो जाता है। तो चर्चा कर रहे हैं हमको तो थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन की भी चर्चा कर लेते हैं, किसके लिए क्या पढ़ा आपने? सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए डज द एलिफेंट डांस बाय डेविड एम मिलॉन मैंने पढ़ा, और चूंकि सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन रहा तो इसके अलावा मैंने और भी चार पांच बुक्स पढ़े। तो एक और बुक सर मैं जीएस के लिए, हालांकि मैंने ऑप्शनल के लिए पढ़ा बट आई विल रिकमेंड, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन जी ने लिखा है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, तो सर ये काफी रिसेंट रिलीज बुक है तो ये पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे तरीके में उन्होंने इंडिया का वर्ल्ड व्यू और फॉरेन रिलेशन बताया। एक बार आप इसका नाम रिपीट फिर से कर दीजिए ताकि लोग रिकॉर्ड समझ सके। यस सर, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्या टू द 21st सेंचुरी एंड दिस इज बुक रिटन बाय फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन। ओके वेरी गुड। अब आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के लिए चूंकि कई स्टूडेंट का बैकग्राउंड नहीं होता टफ होता है, इकोनॉमी के लिए आपने क्या किया जो लोगों को सीरियस करना चाहेंगे? सर इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह ऑथर की जो बुक है उससे मैंने पढ़ा है क्या, हालांकि सर बुक काफी बल्की है तो देयर आर सम चैप्टर्स जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं, पर मेरे पास सर टाइम था तो मैंने काफी स्लोली उसको अच्छे से पढ़ाई किया और इसके अलावा मैंने कोई और सोच नहीं की। करंट अफेयर्स के बाकी न्यूज़पेपर, यस सर करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर उसको रिवाइज भी करा देता है और अपडेट भी करा देता है वहां से, मतलब लेकिन आपने कहा बड़ा स्लोली आपने पूरा पढ़ लिया तो दैट इज अगेन yes. सोर्स yes. लिमिटेड रखे लेकिन ऑडियंस को जानना जरूरी है कि जो भी पढ़ा थॉरली पढ़ा ठीक से पढ़ा, yes, थोड़ी सी यहाँ पढ़ लिया थोड़ा वहाँ पढ़ लिया इसकी जरूरत नहीं, आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो ध्यान से करते जाइए। और सर मैं ऐड करूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ सर मैंने भी कहीं सुना है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक थ्राइस रेदर देन रीडिंग थ्री बुक वंस, और ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की सर, मैं अपना सोर्स लिमिटेड रखा एंड आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन माय सोर्स, क्योंकि मैंने जैसा बताया सर मैंने सिलेबस को देखते हुए अपने सोर्स चूज किए और मैं उसी को बार बार रिवाइज करता था। इकोनॉमिक्स में मैं नहीं कि संजीव वर्मा पढ़ रहे हैं, उमा कपिल पढ़ रहे हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं एक चूज करता था और उसी को बार बार रिवाइज करता था। दैट इज गुड थिंग सर फॉर इस। आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बताया, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में। आपने कहा इट इज बेटर टू रीड वन बुक थ्री टाइम्स, थ्री बुक्स वन वन टाइम, राइट? क्यों इम्पोर्टेंट है मुकुल इसकी, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि ये कहावत जो है इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट, इसका रेलेवेंस जरा थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर,
सर रिलेवेंस ये है कि यूपीएससी जो है जैसा कि काफी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बोलते हैं, दे डू नॉट वांट यू टू डू पीएचडी इन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। पीएचडी नहीं करना है, जो उनका डिमांड है उसको फुलफिल करना है, और राइट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर कि आप अपना सोर्स लिमिटेड रखें, उसको अच्छे से कमांड करें। सर जब हम फर्स्ट राइटिंग करते हैं बुक्स की, तो क्या होता है कि सर टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे कि मुझे भी लक्ष्मीकांत पढ़ने में 2 महीना 2.5 महीना के लगभग लग गया, और मैंने जैसा कि कहा कि सर इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक थ्राइस, तो होता क्या है कि सर सेकेंड रीडिंग में टाइम घट जाता है, जो आप पढ़ने की स्पीड है आपकी बढ़ जाती है, और जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो राइट सेकेंड रीडिंग आपका प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट का और भी अच्छा करता है। एंड बाय द टाइम वी गो फॉर थर्ड रीडिंग, आई वुड से दैट पर्सन बिकम मास्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होता है, काफी कमांड आता है। तो यहीं पे सर ये भी मैं बोलूंगा कि बहुत सारा ऐसे बुक्स हैं जो वन टाइम में भी हो जाते हैं, और जिनका जो है मार्क्स क्राइटेरिया, मार्क्स जो है मार्क्स वेटेज कम होता है, तो ये भी वाइजली सेलेक्ट करके उसको आप एक टाइम रिवाइज करें या 2 टाइम में ही रुक जाएं, और जहां आपको राइट लगता है ज्यादा रिवाइज की जरूरत है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, तो ये एक्चुअली बेनिफिट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्जामिनेशन के अंदर यस सर में। ये बहुत जरूरी है कि लोग पढ़ लिए और रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो यू यस मे सर फॉरगेट, और जो बेसिकली डेवलप होना चाहिए कॉन्सेप्ट वो नहीं हो पाता। यस सर हमने थोड़े से इकोनॉमी की भी चर्चा की, थोड़ा साइंस एंड टेक, चूंकि जनरल साइंस एंड साइंस टेक प्री यस में सर प्री और मेन्स में, उसमें एक जिसका बैकग्राउंड नहीं, खासकर जिनके साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उसके यस सर लिए डिफिकल्टी रहती है। तो इसका स्कोप ऑफ सब्जेक्ट क्या है और कैसे तैयारी करना चाहिए वो थोड़ा बताइए। सर साइंस एंड टेक के लिए मैं कोई पार्टिकुलर बुक से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी कोई पार्टिकुलर बुक नहीं पढ़ा। जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है सर, और न्यूज़पेपर में जो द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में भी एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है, उसमें बड़े डिटेल्ड में रिसेंट डेवलपमेंट्स बताए जाते हैं, तो वहाँ से कवर किया जा सकता है। और जब हम क्वेश्चन भी देखेंगे सर, स्पेशली इन मीन्स, तो काफ़ी जनरल क्वेश्चन होते हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है, तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड कवर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर विशेष प्रॉब्लम हो सर, तो फिर यूट्यूब वीडियोस या मेंटर की हेल्प ले सकते हैं। यस सर बेसिकली देयर मोर करंट अफेयर्स बेस्ट करंट सब्जेक्ट। अफेयर्स ओरिएंटेड यस सर एक सब्जेक्ट को लेकर के स्टूडेंट को बड़ा कई बार चूंकि आउट ऑफ दे भी हो जाता है, इकोलॉजी एनवायरमेंट, यस ये जो स्टूडेंट को नॉर्मली रूटीन में तो पढ़ाई नहीं करते और आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यस उसके बारे में आपकी कोई सजेशन? सर एनवायरनमेंट के लिए जो है पढ़ाई जो है सर, काफ़ी सारे बुक्स हैं, बहुत पॉपुलर हैं, स्टूडेंट्स में नॉन है, वहाँ से कोई भी एक बुक उठा के प्रिपेयर कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट में बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है सर कि रिसेंट इवेंट्स को ट्रैक करें। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कोई मीटिंग हुआ और आवर प्राइम मिनिस्टर गेव एन एड्रेस, तो उसको भी सुन सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आएंगे उसको सुन के समझ के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अप्रोच है सर, यहाँ पे स्टैटिक और करंट दोनों का फ्यूजन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही डायनेमिक और डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं सर। एक्चुअली ये तो बहुत ही आजकल के बर्निंग टॉपिक है, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, यस तो सर ये तो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। तो नेचुरली करेंट्स में तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कशन में रहता भी है, बिल्कुल तो सर एक अवेयरनेस बना रहे कैंडिडेट को तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। राइट यस एक बाकी ये तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट के फिर भी मटेरियल मिल जाते हैं काम करते हैं, लेकिन जो एथिक्स पेपर है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला जो पेपर 4 है, यस सर इसका वो एक चैलेंजिंग रहता है स्टूडेंट का। तो आपके बिल्कुल हिसाब से मुकुंद, इसमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता है और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर एथिक्स के लिए मैंने 2 बुक फॉलो की, एक लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की बहुत पतली सी बुक आती है सर, वो मैंने एथिक्स का जो पहला पार्ट होता है 130 मार्क्स का पार्ट 1, वहाँ से मैंने किए, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है। राइट और पार्ट 2 जो है सर वो केस स्टडीज होता है, 6 केस स्टडीज होते हैं, तो उसके लिए सर या तो आप कहीं से भी केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब मैं सर प्रिपेयर कर रहा था, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट चाणक्य यूज टू अपलोड दिस केस स्टडी ऑन फेसबुक, एंड वहां से मैंने केस स्टडी पिक करके, मैं सॉल्यूशन भी नीचे होता था, तो ऑनलाइन सोर्स का यूज कर सकते हैं,
केस स्टडी आप डाउनलोड कर क्या सकते करके हैं। कि फेसबुक से भी आप जुड़े हुए थे लगातार, राइट? यस सर, मैं यूज करता था, तो मैं सब्सक्राइब करके जो भी रिलेवेंट, तो राइट, मुझे याद आया कि वहां से मैं उस टाइम पे सॉल्व करता था। और जो मैं बुक बता रहा था सर, वो जी सुब्बा राव जो आईएएस रह चुके हैं उनकी बुक है, उनके बुक में काफी सारा केस स्टडीज दिया हुआ है, मोर देन 80 केस स्टडीज, और काफी तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। और सर, एज पर नीड ऑफ एग्जामिनर, जो सर आपने पूछा कि एग्जामिनर क्या देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि नेचुरल होके आप आंसर लिखे, जो भी वैल्यूज देखना चाहते हैं कुछ वो ज्यादा कुछ, अच्छा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मांग रहे हैं, ऑनेस्टी, इम्पार्शलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो सर मुझे लगता है कि हर इंसान में होना चाहिए, और जब आप सर्व करने जा रहे हैं तो इट शुड बी नेचुरली इन यू, तो वही चीज आपको रिफ्लेक्ट करना है। और इसके अलावा सर मैं बोलूंगा कि आप जीवनी पढ़ें, मैंने भी गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ रहा था, और नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मैंने प्लान किया था, उस टाइम मैं नहीं कर पाया, बट मैं आफ्टर एग्जाम अभी पढ़ रहा हूँ। तो राइट जीवनी भी पढ़ें और वहां से कोट करें आप एग्जाम्पल अपने लाइफ से करें, तो इस तरह काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बेसिकली इस पेपर का मेनली टारगेट भी यही है, समझना कि कैंडिडेट कितनी स्वाभाविक ढंग से जो यस एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, कि सिविल सर्विसेज के प्रति आपकी एप्टीट्यूड क्या है, वो क्वालिटीज लाइक लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जो तमाम ट्रेड्स होते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर होना चाहिए, यस उसमें कितने कितना खड़े उतरने वाले हैं, यस आपकी एथिकल एंड वैल्यूज क्या है, एथिक्स एंड वैल्यूज क्या है, कैसे यस समय पे, किस समय में कैसे उसको व्यवहारिता के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, या कभी बहुत ज्यादा रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं ऐसी बातों पे जहाँ उसका जो रियल मायने बिगड़ जाए, राइट? तो यस ये सारे, और इंटीग्रिटी, दैट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड जॉब के प्रति, आपकी कंट्री के प्रति, जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है उसमें क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिकली ये नेचुरली डेवलप होता है, लेकिन हाँ, जितने भी सब्जेक्ट की पढ़ाई की गई है बाकी पेपर के यस लिए, और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि अवेयरनेस, इंक्लूडिंग जो डेवलपमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कुछ घटनाएं पढ़ते हैं, कुछ केस स्टडीज का सिचुएशन वहां भी बनता है, सब बहुत सारी सब चीजें डेवलप कर जाते हैं। वेरी गुड, दैट एंड ऑल देयर। यही जो सहजता है और स्वाभाविकता है, उस एग्जामिनेशन की पहचान भी है, चाल इस पर काम आता है। एसए के लिए भी क्या आपने कोई अलग से तैयारी की मुकुंद, या एसए की अपने सीधे एग्जामिनेशन में जाके लिखा? नहीं सर, ऐसे के लिए सर मैं बताऊंगा कि ऐसे के लिए पहले एस्पायरेंट प्रिपरेशन नहीं करें अलग से, जीएस को अच्छे से करें, जीएस को बहुत ढंग से करें, और जीएस का ही मटेरियल जो है आपका ऐसे का मटेरियल हो जाता है। अगर सर हम टॉपिक देखते हैं, तो जो मेरा मैंने जो पेपर दिया सर, और जो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया, मैं टॉपिक मेंशन करूंगा कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर द टू पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, ये थीम थी। तो अब सर इसके लिए तो हमने हेल्थ एंड एजुकेशन को डिफरेंट व्यू पॉइंट से पढ़े ही हैं, जीएस पेपर 3 में पढ़े हैं, जीएस पेपर 2 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े हैं, जो जो कि बोलता है डीपीएसपी में कि हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़े हैं, करेंट डेवलपमेंट्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में बजट आउटलेट ये सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे के लिए यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी, जहाँ तक कि सर कंटेंट की बात है। पर उसके बाद बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि सर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं सर क्या करता था, हर संडे मैं ऐसे भी लिखता था, ऐसे लिखता था खुद से रूम में बैठ कर व्हाइट पेज में ऐसे लिखता था, एंड आई यूज टू गेट इट चेक बाय माई फेलो फ्रेंड्स, माई सीनियर्स, जिनको भी मौका लगता था पढ़ने देता था और रिव्यूज देते थे। तो ये कर सकते हैं, और आप किसी भी, आपको जो भी लगे वहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहेगा ऐसे प्रिपरेशन के लिए। डायरेक्ट एग्जाम में जाके नहीं लिखे सर, वो काफी रिस्की हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है चलो तो हम जानते हैं, वहां लिख देंगे, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं यस बेसिकली आपको ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मिडिल क्या है, इसका एंड क्या है, बिल्कुल और अलग अलग जो टॉपिक आपके बहुत तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, तो कुछ सर्टेन एरिया जहाँ इंटरेस्ट है कैंडिडेट का उसके तैयार किया जा सकता है। सोशल इश्यूज में है, साइंटिफिक इश्यूज है, कुछ यस सर फिलोसफिकल टॉपिक्स है, कई चीजों में यस सर होता है कैंडिडेट को, तो वहां फोकस किया जा सकता है। एंड बिल्कुल प्रेफरेबली यदि महीने में 4 ऐसे भी लिख लें, हफ्ते यस का एक ऐसे भी हो जाए, तो ये बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा, और यहाँ कम्युनिकेशन तो बेहतर होगा ही होगा। दैट इज वेरी वेरी। अब हम एक जनरल आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की थोड़ी सी बात करते हैं आपसे, जो काम है सब्जेक्ट की। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से जो स्टूडेंट का
एक भटकाव होता है कि गूगल में बहुत फ्री है, वहां भी फ्री है, ये भी ले लेते हैं, चार साइट भी, 10 साइट भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे समय आप ही का है जो खराब होगा। यू शुड आइडेंटिफाई योर सोर्सेस, जहां आपको फोकस करके चलना है। ऐसा नहीं कि डेली कुछ ना कुछ आपकी नई बदलती जा रही है। तो यहां तक जो बात की है उसमें हम रह करके तो रुक करके समझाना चाहेंगे ऑडियंस को कि सिलेबस की पूरी जानकारी, पिछले क्वेश्चंस के 5 साल के कम से कम का उसका एनालिसिस, रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन, एंड साथ के साथ में एक चीज को, एक किताब को 3 बार पढ़ना ज्यादा समझदारी है, ना कि 3 किताब को एक एक बार पढ़े, और साथ साथ रिवीजन का टाइम आपके पास होना चाहिए। अब आती है बारी कि क्या नोट्स बनाना, नोट्स के बारे में क्या इस एग्जामिनेशन में नोट्स बनाना चाहिए, आपने भी क्या बनाए, और बनाना चाहिए तो किस तरह का बनाना चाहिए। सर, नोट्स बनाना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और इसलिए कि सर क्या होता है कि जब हम लिख के किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में एक बेहतर इमेज कैप्चर होता है और अच्छे से हो जाता है। पर अगेन सर, मैं यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। मैं क्या करता था सर कि मैं बुक पे जो बॉर्डर लाइन होता है, साइड में जो बॉर्डर लाइन होता है, वही लिख लेते थे आप। वहीं लिख लेता था मैं। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह नोट्स बना रहे हैं। होता क्या है सर कि बहुत टाइम मैंने ऑब्जर्व किया अपने फ्रेंड्स में, और अब जो न्यू लोगों से बात हो रही है तो लोग अपने हिसाब से डिसाइड करने लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और वहां पे बहुत रिस्की हो जाता है सर कि आप नोट्स जो बना रहे हैं वो आप जो जज कर रहे हैं, मे बी यूपीएससी विल नॉट आस्क फ्रॉम देयर ओनली, और आपने जिसको रिजेक्ट कर दिया यूपीएससी वहां से पूछ लें। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने बुक के ही ऊपर नीचे स्क्रिबल करता था, और जब मैं रिवाइज करता था तो बुक भी पढ़ता था और नोट्स भी देख लेता था। इसके अलावा सर, एक तरीका जो मैं यूज किया, A4 शीट्स पेपर ले लेता था और उसको हर चैप्टर के लास्ट में अटैच कर देता था, स्टेपल कर देता था या रख देता था। तो इससे क्या होता था कि मेरा रिविजन भी हो जाता था, इम्पोर्टेंट चीज भी मैं देख लेता था और कुछ मिस भी नहीं होता था। वापस तो जरूरत पड़ा तो तुरंत बुक के पन्नों में जाकर रेफरेंस देख भी लिया। हाँ, कुछ डॉट हुआ तो देख लिए, और बहुत कम टाइम है तो सिर्फ पेज देख के निकल गए। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मैं मानता हूँ कि आप ज्यादा, होता क्या है सर, बहुत हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, बहुत वैरायटी ऑफ पेन और ये कर रहे हैं। कंपाइल्ड नोट रखें, क्रिस्प रखें और रेडीमेड रखें, कि जब भी आपको आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये टॉपिक है, जब भी रिविजन करना हो आप टाइम वेस्ट नहीं करें, नोट्स ढूंढ रहे हैं, ये हो रहा है, इस तरह के इश्यूज को अवॉइड करें और कंपाइल्ड रखें। तो इस तरह का कुछ फॉलो कर सकते हैं सर। बेसिकली आपने जो पहली इम्पोर्टेंट बात यूज की, पिक्चर्स, जो कि हमारा दिमाग जो है पिक्चर के फॉर्म में चीजों को समझता है, याद रखता है। यस तो ये जब नोट्स बनाते हैं तो बुक्स में आपने जो कहा है, जो मैं ऑडियंस को समझा दूं आपके बिहाफ पे, तो आपने एक पेज खत्म किया, 2 पेज खत्म किया, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट भी कर दिए, फिर यस उसके जो उसका एसेंस है, यस निचोड़ है, उसको आपने खाली स्पेस पे भी लिख दिया, यस एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा तो आपने पेज भी लगा दिए। तो बिल्कुल क्या है सर, कि आपने सोर्स के आसपास ही सारे अपने नोट्स क्रिएट कर लिए, और राइट रिवीजन के लिए आपने रास्ता बना लिए। फिर आपके लिमिटेड सोर्स हैं, आप बहुत यस सारी किताबें भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो सारे स्टैंडर्ड बुक ले लिया और उसी के आसपास काम कर रहे हैं, यस तो नेचुरली भटकने के चांसेस खत्म हो गए। ये जो स्ट्रैटेजी है वो स्टूडेंट को फ्यूचर में समझना चाहिए, अपना सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और अपने जो सोर्स है उसके आसपास कितना कंसाइज बना करके, किस तरह के आप अपने आप को उसके नजदीक रखते हैं ताकि आपको रिवीजन में कोई तो प्रॉब्लम ना हो। हेलो, दिस इज़ जुनैद अहमद एंड माई एक्सपीरियंस विद चाणक्या फॉर माई मॉक इंटरव्यू वॉज रियली गुड। आई मेट द बोर्ड, दे वर वेरी एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क वर वेरी डाइवर्स। द क्वेश्चन दे आस्क वर फ्रॉम डैफ प्लस करंट अफेयर्स, सो दे गेव एन हॉलिस्टिक आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क इन माई इंटरव्यू। प्लस अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन द थिंग्स विच दे फोकस्ड अपॉन वॉज द प्रेजेंटेशन, हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ in front of the interview board. So your verbal, non-verbal traits which are there, your sitting posture, the way you enter, and all these things, they also play an important role during your interview. So the suggestions which were there regarding this, they were also very helpful. I wish Chanakya and its team all the best, and I hope in the future also they'll keep helping the future aspirants in getting their goals. Thank you. इस एग्जामिनेशन में
एक इश्यू रहता है कि हम इतनी सारी चीजों को कैसे याद रखें। ठीक है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ऑफ कोर्स रिवीजन एक बहुत बड़ा क्रुशियल चीज है। कुछ और इस पे कहना चाहेंगे कि अपनी मेमोरी को, इतनी चीजों को याद कैसे रखा जाए और उसको यूटिलाइज कैसे करें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन होती है, तो कभी भी आप जब मिस करते हैं, कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, डिसअपॉइंट और डीमोटिवेट ना हो। आपके साथ जो भी हो रहा है वो हर 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 टॉपर के साथ भी होता है, यस सर, बहुत ही नेचुरल चीज है ये। उसके अलावा जो है आप वर्क करें, आप अपने आप को समझें कि आपका कहाँ खामियां हैं। तो सर थोड़ा मेरा मैं बोलूंगा कि नेचुरली मेरा थोड़ा रिटेंशन ठीक था, मैं रिटेन कर पाता था, तो फिर भी मैंने अपने आप को जो बोलता है सर कि आपको जब आपका वीकनेस पता चल गया उस पर वर्क करें। उसके लिए सर जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात की, मल्टीपल रिवाइज करता था, और यही एक तरीका है। आपको पता है कि ये सिलेबस है, आपको बुक भी आपके सामने है और आपको बस रिटेन करना है, तो आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और रिवाइज के अलावा सर चीज़ों को लिंक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सर मैं एक अपना पर्सनल बताऊंगा, मेरे स्कूल में क्या होता था कि रोल नंबर जो है 1 से 100 तक हर बच्चों का रोल नंबर होता था। मैं क्या करता था सर, कोई भी आर्टिकल मुझे याद करना हुआ तो मैं उस जो रोल नंबर पे जो भी मेरा फ्रेंड था उसके नाम से अटैच करके याद करता था। तो इस तरह की कोई आप जो है निमोनिक्स बना लिए, उसके बाद कोई शॉर्टकट तरीका बना लिए, ये सब चीजें, पिक्टोरियल कुछ इमेज कर लिए, तो ये सब चीजें काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये सर पर्सनल लेवल पे ट्रिक डेवलप करना पड़ेगा, जो कि किसी का अपना एक स्ट्रेटजी होता है, पर्सनल लेवल होता है, तो फिर उसके हिसाब से। आपने जो तैयारी की, इमेज को अलग अलग किया या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया? सर प्रिपरेशन तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड ही रहना चाहिए, और ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्री और मेंस का जो है सर बहुत सारा जो सिलेबस अगर हम एनालाइज करते हैं तो कॉमन है। तो मेंस में कुछ हैं सर जो सेक्शंस जो कि एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और कम्प्लीटली GS4। तो उनको आप मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया सर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करें। तो अगर जब हम मेंस के लेवल के प्रिपरेशन करते हैं तो नेचुरली सर प्री का जो क्वेश्चन होता है दैट बिकम्स इजी और समझना भी आसान हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आई रिकमेंड सर। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में फिर भी एक अप्रोच का फर्क है प्री और मेंस का, ठीक है? यस सर बिल्कुल। क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव टाइप है, बिल्कुल, कुछ फैक्ट्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है उसमें। यस सर। तो मेंस के अलग है, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्री का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के साथ जो कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन प्री के लिए ध्यान रखना चाहिए या अप्रोच में, वो क्या है आपके हिसाब से? बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने मेंशन किया, फैक्ट्स हो गए, जो पार्टिकुलर टर्म्स हो गए, वो काफी टाइम क्या होता है पिकअप होके प्री का क्वेश्चन बन जाता है। तो जब हम शुरू में जैसे कि सर मैंने कहा कि क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो भी एक बार देख लीजिए। और जब हमारे सामने से क्वेश्चन गुजरा रहता है तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक जो है कहीं ना कहीं कोरिलेशन दिखता है कि ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर इसका आइडिया हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब हम इंटीग्रेटेड पढ़ते होंगे तो प्री के लिए अपने आप हम चूज कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि आप जो है फैक्ट्स पे स्पेशल ध्यान दें, डेट्स को भी याद करें, जो कुछ पार्टिकुलर इवेंट हुए हैं या फिर कुछ यूनिक वर्ड हैं न्यूज में, उन सब चीज़ों को ध्यान दें। और मेंस में एनालिसिस पोर्शन होता है कि क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या कॉज थे, तो इस तरह की अलग थोड़ा प्रिपरेशन रखना होगा सर। मतलब प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके लिए यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें, तो इसका ब्रॉड आइडिया या कह लीजिए बहुत क्लियरिटी आ जाती है। के लिए है कि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, राइटिंग करनी है, जो ओपिनियन है डेवलप करना, प्लस राइटिंग स्किल, क्योंकि आपको लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना है और तैयारी करनी है, राइट? इसके लिए एफिशिएंसी प्री के लिए ऑफ कोर्स टेस्ट की प्रैक्टिस और शुरू से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मेंस के भी राइटिंग की प्रैक्टिस आपको जरूरी है। एक पूरी सिचुएशन में तैयारी में एक इश्यू आता है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। Yes, sir. बहुत बार ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी आया होगा कि अब ना हो पाएगा, बहुत ज्यादा है,
कैसे करें, बिल्कुल है ना। बहुत बहुत कई बिल्कुल कैंडिडेट तो शुरू में सोचते हैं कि नहीं हो रहा, लेकिन बीच में भी जाके बहुत प्रॉब्लम आती है कि नहीं हो पाए। बिल्कुल होता है। यस। आपके साथ भी कुछ ऐसा होता था, और कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं थोड़ा जो पहले बोलते थे कि 17 घंटा 18 घंटा और वर्ल्ड से कट ऑफ करके, मैं थोड़ा अलग ओपिनियन रखता हूँ। अब जो है सर, आप 6 से 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, और जो है बहुत ही रिलीजियसली जो बोलते हैं, बहुत अटेंशन से कीजिए। और उसके बाद मैं सर जो फॉर्मूला जो मैं सुना पे और फॉलो भी करता था, 8+8+8, 8 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटा आप स्लिप को दीजिए, 6 से 8 घंटा, और 8 घंटा में बाकी जो भी है काम वो कीजिए। और मोटिवेटेड रहने के लिए सर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी, जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो यू शुड टॉक टू समबडी, यू शुड टॉक टू पेरेंट्स, फैमिली मेंबर से, मेंटर से बात करें, ये एक तरीका है सर। इसके अलावा जो है मैं पर्सनली सर थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बुक को भी साइड करके मैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, टॉपर्स टॉक सुन लिया, या फिर नहीं तो मूवी देख लिए, कुछ सॉन्ग देख लिए, तो इस तरह से भी थोड़ा हटके हो जाता था। और सर एक्टिविटीज है ना, यस सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबी को आप कर सकते हैं। और उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सर आप यू गो बैक एंड यू थिंक ऑफ द कॉजेस बिकॉज ऑफ विच यू स्टार्टेड, जो आपका जो मकसद था जिससे आपने तैयारी शुरू की, आपका जो भी विशेष थे, दैट कैन बी ए मोटिवेटिंग फैक्टर। या आप सोच सकते हैं कि अभी आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप क्वालिफाई करेंगे तो कैसे आप क्या चेंज लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, फैमिली में, एंड एट द ग्रेटर लेवल, एट द नेशनल एंड सोसाइटल लेवल, सो दैट कैन ऑल्सो मोटिवेट। सो ऑल दिस वेज इन विच आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ। इसमें एक बहुत क्रूशियल बात आपने करी, नंबर वन कि सबसे पहले आप क्यों, वाई आप ये फैसले क्यों रहे हैं, तो वो जिस दिन आपने स्टार्ट किया उस दिन भी क्लियर होना चाहिए और आगे भी क्लियर होना चाहिए कि यदि थोड़ा दर्द मैं ले रहा हूँ या ये तपस्या कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो जब आप इसके क्लियर रहेंगे कि ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, और आपको मिलने वाला क्या है, एक बार आप यदि इससे निकल गए तो वो आपका बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है, जो हमेशा रीप्ले करके देखना चाहिए कि हमें करना क्या है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक वेरी परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट, आपने 8+8+8 बोला, यदि ओवरऑल देखें आगे के दिन में भी जब आप ऑफिसर बनेंगे तब भी आपको ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप नींद भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कुछ और भी नहीं कर रहे हो, सब कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होने चाहिए, गलत कंपनी में नहीं होनी चाहिए, बट 6 से 8 घंटे की यदि कॉन्सिस्टेंट स्टडी, कभी ज्यादा कभी कम नहीं, उसके बाद 8 घंटे के एक्टिविटीज भी हो सकती है जो आपको रिवाइव करे, रिलैक्स करे, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, अपना खाना, नहाना, लोगों से मिलना जुलना, पिक्चर भी देख लेना, घर वालों से बात करना, अच्छी कंपनी, तो वो उसमें हो गया। और 8 घंटे आपका एक बढ़िया साउंड स्लीप जो आपको कंपनी रिवाइव करे, तो कभी भी मोटिवेशन लेवल लो नहीं होगा, क्योंकि यदि आप स्लीप पे कंप्रोमाइज करेंगे तो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और जिस दिन आदमी ऐसे भी कम सोता है उसकी मेमोरी, उसका मोटिवेशन लेवल लो होता है। Yes. लगातार कुछ दिन तक कम सोएगा तो प्रॉब्लम हुआ ही होगा बॉडी में, जो Yes. आपकी पूरी जो सिस्टम है वो बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? सो दैट इज अ परफेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द एंटायर थिंग देयर। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है, आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है और आपने ऑप्शनल रख लिया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसा क्यों किया, आपने क्या कारण था? कारण ये था कि 12th के टाइम पे भी जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल थे वो हमें द हिंदू पढ़ाते थे सैनिक स्कूल में, तो उस समय जो मेरा फेवरेट पेज होता था वो वर्ल्ड का होता था। उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था, दूर दूर तक सिविल सर्विस नहीं था, पर वर्ल्ड अफेयर्स मुझे काफी अट्रैक्ट करते थे, तो वो चीज एक था। और सर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो वहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें कि स्टूडेंट को चॉइस होता है कि वो अपने जो मेन कोर्स है उसके अलावा कुछ चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे सर मैंने पॉलिटी के सब्जेक्ट्स चूज किए, और जब मैंने यूएन के बारे में, वुमेन इश्यूज के बारे में, फेमिनिज्म पढ़ा, तो थिंकर्स की जो बातें थी वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की। हालांकि सर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश का 70% जो ऑप्शनल का था वो प्रिपेयर्ड था, 30% एक्स्ट्रा मुझे करना था, वो साइड पेपर्स भी तैयार हो गया था आपका? यस सर, पर चूंकि मुझे इंटरेस्ट काफ़ी था पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैंने इसे चूज किया और काफ़ी इंजॉय किया मैंने। इंग्लिश में कमांड होते हुए भी, सिलेबस भी ओवर 50% कम्प्लीट होते हुए भी, बिकॉज ऑफ माई सोल इंटरेस्ट
एंड माय इंटरेस्ट इन रीडिंग थिंकर्स, थिंकर्स को समझने में, वर्ल्ड इश्यूज को समझने में, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने में, तो उस चीज़ को मैंने प्रायोरिटी देके मैंने चूज किया और फॉलो किया और इट वर्क फॉर मी। इसमें एक सवाल लोगों के दिमाग में आ सकता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट था, सब कुछ था, यस सर, फिर आप इंडिया में भी जाना चाहते, तो आपने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन फिर क्यों किया? यस सर, सर मेरा जो 12th में मार्क्स था इंग्लिश में वो स्कूल में हाईएस्ट था, आई स्कोर 95 out of 100। और फिर हुआ क्या, मैं सर जो कॉलेज में कट ऑफ आता है तो मैं लाइन पॉलिटिकल साइंस वाले क्यू में ही लगा हुआ था, पर जो होता है कोई गाइड कर दिए कि नहीं अच्छा सब्जेक्ट नहीं है कोई और ले लो, तो थोड़ा वहाँ पे मिस हो गया और मैंने इंग्लिश चूज किया, बट माई हार्ट वॉज ऑलवेज समवेयर रोमिंग अराउंड पॉलिटिकल साइंस। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, मैंने पूरे चॉइस में जो मुझे क्रेडिट कोर्स लेने थे मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, तो ये वजह था सर। इसमें ये भी बात जानने के लिए दो तरीके हो सकते हैं कॉलेज में, या तो अंडर कंपल्सन को एडमिशन हो गया आपका, ठीक है, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं क्योंकि परसेंटेज के कारण से हो गया, नॉर्मली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, बट आपका जो हार्ट एंड सोल किसी और सब्जेक्ट में है, या आपने गलती से ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ले लिया, पढ़ना कुछ और चाहते थे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सिविल सर्विसेज में खास करके आपका बैकग्राउंड है या नहीं, आपने ग्रेजुएशन चाहे चॉइस से किया सब्जेक्ट में या अंडर कंपल्सन किया, बट सिविल सर्विसेज में वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें रियली आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि एक लंबा साथ है, इसको ओपिनियन बनाना है, और ये सब्जेक्ट में आपकी विद्वता का टेस्ट नहीं है, आपको ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस देके यूपीएससी आपके अंदर एक ओपिनियन, एक कनेक्ट सब्जेक्ट के साथ देखना चाहती है, और तब तक नहीं होगा ये जब तक कि उसमें इंटरेस्ट ना हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुकुंद, इस सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी में एक ही अटेम्प्ट में गए, एक ही में आप सीधा 54 रैंक लेके आ गए सिविल सर्विसेज से, तो सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट में आपका अनुभव कैसा रहा? सर अनुभव काफी अच्छा रहा, और मेरा सर इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू लास्ट डे हुआ है 30th July, और 4 दिन बाद रिजल्ट भी आ गया, तो लास्ट था, और कोविड इंड्यूस्ड सिचुएशन था, तो हम लोग मास्क और ग्लोव्स और फेस शील्ड लगा के इंटरव्यू दिए, काफ़ी अलग था। पर हुआ ऐसा सर कि जब मैं इंटर किया तो वहाँ पे चेयरमैन और बाकी जो मेंबर थे वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे फील कराए, जो मास्क और शील्ड लेके बैठे थे वो लोग ऐसे बैठे, हाँ सर वो लोग भी बैठे हुए थे, हालांकि घुसते ही जो मैम थे उन्होंने मुझे बोला कि मुकुंद आप जो है अपना फेस शील्ड रखिए पर मास्क थोड़ा लोअर कर लीजिए क्लियरिटी के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा मैं रिलीव हो गया। और सर जो बाहर में बात बोलते हैं कि परेशान करते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे सर पर्सनली ऐसा नहीं लगा, काफ़ी स्मूथ था। और हुआ ऐसा मोमेंट्स आए जहाँ पे कि मुझे पता नहीं था, पर मैंने बहुत ऑनेस्टली बोला सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, आई लुक इन टू दिस, मैं बाद में देखूंगा या मुझे जानकारी नहीं है, और काफी स्मूथ रहा सर। जनरल क्वेश्चंस पूछे गए सैनिक स्कूल से, लीडरशिप पे, आर्म फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया, और मुझे 3 बार सर सेक्रेटरी बनाया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो सिचुएशनल क्वेश्चन था, तो मेरे लिए तो सर काफी मजेदार था, आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड आफ्टर इंटरव्यू, कि रिजल्ट हो ना हो इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया। आपका बहुत स्मूथ था, आप बहुत ही सहजता से ऑनेस्टी से जवाब दे रहे थे, क्योंकि आप चाणक्य में प्रैक्टिस भी कर रहे थे मॉक इंटरव्यू का, तो आपका अनुभव चाणक्य मॉक इंटरव्यू में कैसा रहा, क्या रहा? सर मैं जो मॉक किया चाणक्य में, तो मैंने 2 मॉक यहाँ पे किया, तो फर्स्ट टाइम सर अच्छा नहीं गया था मेरा टू बी ऑनेस्ट, एंड आई सी इट एज ए ब्लेसिंग बिकॉज दैट उस टाइम मेरे पास टाइम होता, और वहाँ पे जो मुझे रिव्यू मिला उससे मैंने वर्क करके जो मैं सेकेंड टाइम आया सर, तो सेकेंड टाइम मेरा इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू चाणक्य में मैंने दिया वो इतना अच्छा गया कि मैं चेयरमैन सर जो थे मैं उनसे रिव्यू के लिए पेन और कलम निकाल के बैठा हुआ था, पर सर सीधे बोले कि दिस टाइम आप यू आर परफेक्ट, आप सेम जो है अपना आउटलुक सेम थॉट लेके आप इंटरव्यू में जाएं और आपका अच्छा रहेगा, तो मैंने काफ़ी वर्क किया और यही चीज़ मुझे हेल्प किया। एंड इवन सर जो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स कम हेयर एंड इवन इन रियल इंटरव्यू एक्स ब्यूरोक्रेट्स आर देयर, प्रोफेसर्स आर देयर, तो वो भी जो है सर जो सिम्बॉलिकली जो होता है सिमिलरिटी दिखाई दी चाणक्य मॉक इंटरव्यू और आपको रियल इंटरव्यू में? यस सर काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू हुआ
और एक जो है स्टिमुलेट जो करता है स्पाइरेंट को वो चीज था, तो इट वाज रियली हेल्पफुल सर। रियल इंटरव्यू में मुकुंद को ऐसा कोई सिचुएशन जो आपको याद हो जहां लगा कि यहां हमारे मेंबर जो है मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंडीशन में डाल रहे हैं, मुझे निकलना, ऐसा कुछ हुआ था? सर एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नहीं सर, पर थोड़ा मैं ज्यादा सोच नहीं पाया। क्वेश्चन था कि जो कॉम्युनल हारमोनी है कंट्री में वो जो डिस्टर्ब होता है, तो आप सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ, कोई डिपार्टमेंट बनाए थे हाइपोथेटिकल और आपको सॉल्व करना है, तो वहाँ पे हुआ क्या सर कि मैं 3 पॉइंट दिया, 4 पॉइंट दिया, पर दे वर स्टिल विलिंग टू लिसन, और मैं सोच रहा था कि अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मेरे पॉइंट एग्जॉस्ट हो रहे थे। तो जब 3-4 पॉइंट हो गए तो मैंने कह दिया कि यहाँ तक ही मेरे माइंड में अभी आ रहा है सर और मैं आगे बाद में सोचूंगा, तो दे एग्रीड, दे डिड नॉट प्रूव फर्दर। बाकी सर एक दो जगह क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे लगता है कि ऑनेस्टी में भी चेक कर रहे थे, जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि उजाला स्कीम के तहत कितनी टोटल बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो सर इन माय ओपिनियन कि ये तो काफ़ी फैक्चुअल है और इट चेंजेस डेली, उसमें वेरिएशन आ जाता है, तो वहाँ पे सर मैं अपना इंटेलिजेंस यूज किया और मैंने सीधे बोला कि सर दिस इज वेरी डायनेमिक और दिस चेंजेस इवन एवरी आवर, नंबर ऑफ बल्ब वुड बी इशूड, तो सर मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, तो वहाँ पे भी जो मेंबर पूछे वो बड़े स्माइल करके, आई थिंक आई सेटिस्फाइड हिम, आई डिड नॉट जस्ट गिव सम रैंडम नंबर कि सर इतने 1000 इशू हुए हैं, तो ऐसे ये कुछ क्वेश्चन थे। बाकी सर इट वॉज वेरी स्मूथ, जो कुछ पूछे गए मुझे मैंने रिप्लाई किया और कनेक्ट कर पाया, डिलीवर कर पाया। लीडरशिप पे बहुत क्वेश्चन थे सर, चूंकि आई वॉज फ्रॉम सैनिक स्कूल। किस तरह के क्वेश्चन थे सर? लीडरशिप पे क्वेश्चन थे कि लीडरशिप के क्या ट्रेड्स होते हैं, और आप जो, मैं सर स्कूल में कैप्टन रह चुका था मैं अपने हाउस का, तो आपने कैसे संभाला, क्या किया, और उसके बाद आप जो है इस लीडरशिप को आप सिविल सर्विस में कैसे देखते हैं, क्या रोल है लीडरशिप का, उस पे मैंने बात किया, क्या ट्रेड्स होने चाहिए, और लास्ट में जो एक मेंबर थे वो सिर्फ एक वर्ड में बोले कि टेल मी वन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप दैट यू थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको लगता है। तो मैंने सर मैंने बोला कि मैं तो शुरुआत किया कि सर बहुत सारे क्वालिटीज हैं पर वन क्वालिटी इन माय ओपिनियन इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड बोल के कि लीडर शुड हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसको आप समझें और उसको निभाएं, वहां से कतराना नहीं चाहिए। तो आई थिंक सर ही वाज मेंबर सर वाज सैटिस्फाइड एंड देन पास ऑन टू सर। क्या होता है मुकुंद जी लीडरशिप की क्वालिटी के जो ऑडियंस के लिए भी शेयर करना चाहेंगे? यस सर, सर लीडरशिप के ट्रेड्स में मैंने बताया कि जो है एक करेज होना चाहिए, कि आप में जो है हिम्मत होना चाहिए। सेकंड, लीडरशिप शुड बी लाइक इन सच वे कि आप फ्रंट से और जरूरत पड़े तो बैक से, बैक स्टेज में दोनों जगह पे आप काम करें। लीडर के पास एम्पैथी होना चाहिए, लीडर जो है लोगों के प्रॉब्लम को समझे, और जो है सर मोटिवेटिंग होना चाहिए, लीडर जो है अपने टीम को मोटिवेट करे, टीम में जो है एक हारमोनी बनाने के लिए जो है बॉन्डिंग बनाने का जो है क्वालिटीज रखें। तो इन सब कुछ पॉइंट्स मैंने सर जिक्र किए वहाँ पे। इसके अलावा मैंने और भी पॉइंट्स मेंशन किए थे सर, ध्यान में था उस समय, अभी सर नहीं आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस सहजता और जो सिंपलिसिटी है उसको लोग बहुत सराहेंगे, लोग उससे बहुत कुछ लेने की कोशिश करेंगे जो आपको वॉच कर रहे हैं सक्सेस स्पीक्स में, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारे पॉइंट्स एंड क्लैरिटी आपने और से कुछ मुकुंद आप कहना चाहेंगे कंक्लूजन में? सर मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा स्पायरेंट्स को कि जो सर जैसा कि आपने भी बोला कि मैं भी एक बहुत बहुत ही गांव से, गांव में मेरा जन्म हुआ, गांव से पढ़ाई किया, आप अपने जो है हार्ड वर्क पे बिलीव रखें। जब सर मैं क्लास 6 में ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन और सैनिक स्कूल क्वालिफाई किया, वो भी कम्प्लीटली ऑन मेरिट, फिर मैं पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आप कभी भी ये नहीं सोचे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आप जो है हिंदी मीडियम से हैं या आप आईटी से नहीं हैं, और इस तरह की जो सोच है, जो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, इन सब चीज़ को अवॉइड करें। और सर मुझे आपका जो, आपने एक वीडियोस में आपने कहा था कि इंटरव्यू में घुसने से पहले आप जो है IAS बन के घुसें और आप IAS बन के निकलेंगे, तो मैं यही चीज़ कहूँगा सर कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे भी
मेंटलिटी अपना डेवलप करते आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप उसको एज ए यू नो एज ए अपॉर्चुनिटी देखें, जो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रेन कर रहा है आगे फील्ड में ज्वाइन करने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको वर्क करें। और जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसका यूज करें और आगे बढ़ते रहें। हैव बिलीव इन योर सेल्फ। और सर मैं एक शेर भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप इतनी मेहनत करें, इतना अच्छा रैंक लाएं कि आपको आप चॉइस करें कि मुझे आईएएस चाहिए आईपीएस चाहिए और आपको वो मिल जाए। तो इस तरह का प्रिपरेशन रखें और अपने आप में विश्वास रखें। आमतौर पर जो भावना रेस्टोरेंट की होती है कि हम गांव से आए हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे हम जो पिछड़े इलाके से गरीब परिवार से हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मैसेज आपका कि गरीबी डिसएडवेंटेज अपने दिमाग में होता है, एक्चुअल में नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हुए हैं, मोर देन 80% ऑफ द ग्रेट पीपल हु आर केम इन द वर्ल्ड, सब लोग अनप्रिविलेज कंडीशन में थे और उनके संघर्ष ही उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रशस्त रास्ता बना। ये बहुत बड़े कारण भी बन गए हैं इसके कारण से। तो इसलिए लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अंदर कोई हीन भावना ना रखें। आप मुकुंद, ये आपके डिस्कशन बहुत ही लोगों को काम आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत ईमानदारी से, सहजता से जो आपने बताया है, आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। जैसे आपने सक्सेस फिक्स प्रोग्राम देखकर फायदा उठाए, ये फायदा आने वाले एस्पायरेंट्स भी करेंगे, क्योंकि आपने बहुत क्लियरिटी के साथ हर बात को कहता है। मेरी बहुत बड़ी शुभकामना है कि आप आईएएस के करियर में शानदार परफॉर्मेंस रखें। आपकी ख्याति, आपकी जो पहचान देश में एक अच्छे लेवल पे हो, यही मेरी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट करियर अहेड इन आईएएस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय थॉट्स। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और ये नेचुरली मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत ही सहजता से, और एक बहुत इस प्रोग्राम के मकसद भी ये होता है कि एक सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करें, और आपकी अपनी एक अलग सक्सेस स्टोरी है जो बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।